बच्चों हम ए लिख चुके हैं, आज मैं आपको बी लिखना सिखाऊंगी। ये है बी, आपको आज बी कैसे लिखते हैं सिखाऊंगी। देखो ये डॉट 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 का है तो हम उस पर उसको जॉइंट करेंगे। देखो धीरे धीरे ऐसे जॉइंट करना, ये बिंदी के ऊपर ऐसे ऐसे धीरे धीरे जॉइंट करना है आपको, और ये जोड़ने से ये हो गया है बी। देखो ये डॉट डॉट है, यहाँ पर भी है तो मैं इसको जोड़ रही हूँ। देखो ध्यान से देख लो, ये है डॉट 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 का बी है, तो बी लिखना है हमको तो इसको जोड़ना है। देखो ये जोड़ने से ये बी बन जाएगा। देखो यहाँ पर भी है बी डॉट डॉट दिया गया है तो आपको इसको जोड़ना है। देखो मैं जोड़ रही हूँ तो ये बी बन जाएगा। बच्चों ये देखो बी हो गया, तो एरो वेक्टर लिख रहे हो। देखो ये जोड़ रही हूँ, बिंदी जोड़ रही हूँ, तो आपको भी ऐसे ऐसे जोड़ना है। बच्चों आपको ऐसे स्टैंडिंग लाइन, राइट टर्न और एक राइट टर्न देने से ये बी बन जाएगा। स्टैंडिंग लाइन, राइट टर्न, ये राइट टर्न। बच्चों आपको बी लिखना है। और देखो आपकी ओलिमान बुक में भी बी लिखा है, ये देखो यहाँ पर भी बिंदी दिया गया है, तो आपको ये बिंदी को ऐसे जोड़ना है जैसे बताई थी, ऐसे ऐसे इसके ऊपर आपको जोड़ना है, ये बी है। हाँ ऐसे ऐसे आप लिखना। और देखो बी फॉर क्या होता है, बी फॉर बॉल, बी फॉर बैलून, बी फॉर बॉस, बी फॉर बैट। बी फॉर बैलून, बी फॉर बॉ सॉरी बी फॉर बॉल, बी फॉर बैलून, बी फॉर बॉस, बी फॉर बैट। बच्चों आप जब ये बी लिखोगे तो बी फॉर बैलून, बी फॉर बॉल, बी फॉर बॉस, बी फॉर बैट बोल बोल के लिखना है। ओके बच्चों।